नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर कलौल में भारत के पहले तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट डीएपी संयंत्र का किया उद्घाटन। कहा, संयंत्र से किसानों को होगा फायदा। देश में डीएपी का आयात कम करने में मिलेगी मदद। समय की जरूरत है कि यूरिया का उपयोग घटाकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा जाए। हरियाणा के गुरुग्राम में 26 अक्टूबर से दूसरे सरस आजीविका मेले का किया जाएगा आयोजन। मेले में स्वयं सहायता समूह की लगभग 800 महिलाएं हस्त निर्मित उत्पादों को करेंगी प्रदर्शित। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कई विषयों पर कार्यशालाओं का भी किया जाएगा आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति तेलंगाना में मेडिगड्डा में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लक्ष्मी बैराज के एक हिस्से के धंसने की करेगी जांच। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल जैन 6 सदस्यों की समिति के होंगे अध्यक्ष। गोदावरी नदी पर बने बैराज के पुल को अस्थायी रूप से कर दिया गया है बंद। मणिपुर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से सुअर उद्योग को भारी क्षति। कई सुअर पालकों को हुई वित्तीय हानि। बीमारी शुरू में इम्फाल शहर तक ही सीमित, अब राज्य के अन्य जिलों तक फैली। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के एक फॉर्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले आए थे सामने। बीमारी फैलने के मद्देनजर सरकार ने पहले ही एहतियाती उपायों की कर दी थी घोषणा। और खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात गांधीनगर के कलौल में इफको के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि गांधीनगर जिले के कलौल में इफको के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण हुआ है। सहकारिता मंत्री ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी में भारत को विश्व में सर्वप्रथम ले जाने के लिए इफको की टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारत जैसी उपजाऊ भूमि, सुजलाम सुफलाम धरती, कृषि प्रधान देश, इतनी बड़ी खेती लायक भूमि, 3 से 4 फसलों के लिए उपयुक्त आबोहवा दुनिया में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 75 साल में हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि किसान हर महीने खेती कर सके। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि देश में अनाज की जरूरत और उत्पादन के अंतर को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत की सहकारी संस्थाओं की है। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद जब कृषि क्षेत्र में हुए सबसे बड़े प्रयोगों की लिस्ट बनेगी, तब इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उसमें शामिल होंगे। शाह ने यह भी कहा कि समय की जरूरत है कि यूरिया का उपयोग घटाकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा जाए, लेकिन साथ ही उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है। शाह ने कहा कि नैनो यूरिया का छिड़काव जमीन पर नहीं बल्कि पौधे पर किया जाता है और इससे धरती में मौजूद केंचुओं के मरने और प्राकृतिक तत्वों के नष्ट होने की संभावना शून्य होती है। अगर सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पीएसी इफको के साथ मिलकर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करें तो बहुत जल्द ही हमारी धरती प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इफको ने बहुत आधुनिक तरीके से संपूर्ण भारतीय प्लांट लगाने का काम किया है। मेक इन इंडिया का इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। इफको की कलौल इकाई ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो डीएपी की लगभग 42 लाख बॉटल का उत्पादन करेगी, जिससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 60% लोग कृषि आधारित जीवन निर्वाह कर रहे हैं और देश की 60% जमीन भी कृषि लायक है, लेकिन वर्षा से किसान और कृषि दोनों की अनदेखी की जा रही है। वर्षों से किसान की अनदेखी की जा रही है। और विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको किसानों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। नवाचारों को बढ़ाते हुए इफको ने नैनो उर्वरक उत्पादन कर तकरीबन 6.5 करोड़ से अधिक तरल बोतल यूरिया बेचा भी है। इसके इफको ने 2500 ड्रोन की खरीद पर भी काम शुरू कर युवाओं को रोजगार देने का काम अभियान चलाया है। इस विषय पर इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको पूरा करने की ओर अग्रसर है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार। सर, अगर बात करें सहकार से समृद्धि भारत सरकार की संकल्पना है और उसको पूरा करने में इफको बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस बात के लिए भी बधाई दूंगा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को कि उन्होंने पहली बार एक
डाटा बेस तैयार किया है सहकारिता का। डाटा बेस एक बहुत बड़ी एक मील का कदम साबित होगा, हमें पता चलेगा हम सहकारिता के माध्यम से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और उनका मूल्यांकन भी हो सकेगा और मूल्यांकन के पश्चात अपने आप विकास का रास्ता भी तय किया जा सकेगा। इफ्को में नवाचार अक्सर होते रहते हैं और ये अनवरत जारी हैं। हाल ही के दिनों में इफ्को कौन से नवाचार को लेकर आगे बढ़ रहा है? इफ्को जो एक सहकारी संस्था है उसने विश्व के पहले नैनो उर्वरक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का आविष्कार किया, विकास किया, उसके कारखाने लगाने शुरू किए और आज ये स्थिति है कि आज की स्थिति में अगर आप देखें तो 2021 में शुरू हुआ था, आज तक 6.5 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बॉटल्स को किसान भाई प्रयोग कर चुके हैं, जिससे आप आकलन लगा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो जीरो रेजिड्यू प्रोडक्ट है। इस उत्पाद से किसी भी तरीके का कोई उत्सर्जन नहीं होता, संपूर्ण मात्रा 90% से अधिक मात्रा का अवशोषण पौधे आसानी से कर लेते हैं, तो जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ में उपज अधिक होगी, कीटनाशक और रोगनाशक जो भी रसायन प्रयोग होते हैं उनकी मात्रा कम होगी, बहुत सारे अन्य लाभ फसल को हैं, परिवहन में आसानी होगी, भंडारण में आसानी होगी। अभी नैनो यूरिया तरल नैनो डीएपी आया, इसके बाद में अभी दूसरा एक यूरिया हम लाने वाले हैं, फिर उसके बाद एनपीके के बहुत सारे नैनो के उत्पाद आगे हम लोगों ने बना लिए हैं जो धीरे धीरे करके हम सरकार के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सर अगर बात करें तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने में इफ्को ने बहुत सारी नई पहल शुरू की है, इफ्को ड्रोन का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे किसानों को रोजगार देने में और किसानों का जीवन सरल बनाने में कितनी मदद मिलेगी? जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार है वो बहुत आवश्यक है, एक नवीनतम तकनीक को लाने का प्रयास इफ्को ने किया है, जिसके तहत प्रथम चरण में 2500 ड्रोन हम लोग ले रहे हैं और वो ड्रोन ऐसे ड्रोन नहीं है जो सामान्य ड्रोन की तुलना में अच्छा काम करेंगे, उसमें कई तरीके के कैमरे लगाए गए हैं जो रोगों को भी पहचान सकते हैं, जो कीटों को भी पहचान सकते हैं, जो कोई अगर पेड़ या खंभा रास्ते में आता है तो अपनी दिशा का परिवर्तन भी कर सकेंगे और ज़मीन की कितनी समतल है, कहीं ऊंची नीची है, उस हिसाब से अपनी ऊंचाई को भी नियंत्रित कर सकेंगे। और ये ड्रोन ऐसे हैं जो हमने लिए हैं जो हवा में उड़ने का समय उनका 30 मिनट तक है, तो वो 30 मिनट में आराम से 3 एकड़ तक एक बार बैटरी चार्ज करने पे चलेंगे। तो इफ्को के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार, जिनका मानना है कि इफ्को कृषि क्षेत्र में न केवल तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर किसानों का जीवन सरल और आसान बनाने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आर्थिक तरक्की के जरिए भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के अभियान को संकल्पित और साकारित करने का जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा 26 अक्टूबर से दूसरे सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाएगा। देश भर से स्वयं सहायता समूह की लगभग 800 महिलाएं अपनी कला और संस्कृति से जुड़े हस्तनिर्मित उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित करेंगी। इसके अलावा सभी राज्यों के खान पान के स्टॉल भी इस मेले में नजर आएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि मेले के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कई विषयों पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं में महिलाओं को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयासों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। 11 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मेला रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। अगली खबर तेलंगाना से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय सिंचाई विशेषज्ञ समिति तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के मैदिगड्ढा में लक्ष्मी बैराज पहुंच गई है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल जैन के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति बैराज के एक हिस्से के आंशिक रूप से डूबने की जांच के सिलसिले में परियोजना स्थल पर पहुंची है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2 दिन पहले हुई इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के कारण तेलंगाना को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से जोड़ने वाले गोदावरी नदी पर बने बैराज के पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बैराज पहुंचने से पहले समिति ने हैदराबाद में राज्य के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। समिति कालेश्वरम परियोजना के बैराज के धंसने के कारणों की जांच करेगी। केंद्र ने समिति को
बैराज का निरीक्षण करने और सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दो दिन पहले बैराज के ब्लॉक 7 के पिलर संख्या 20 के आंशिक रूप से डूबने के बाद बैराज के 6 से 8 ब्लॉक के 15 से 20 नवंबर के पिलर आंशिक रूप से धस गए थे। कालेश्वरम परियोजना का मेडिगड्डा बैराज 1600 मीटर लंबा है और जो हिस्सा आंशिक रूप से डूबा है वह महाराष्ट्र से 356 मीटर दूर है। KLIP के अधिकारियों ने सटीक कारण और क्षति की तकनीकी मूल्यांकन की सुविधा के लिए बैराज के कुल 85 दरवाजों में से लगभग 57 को खोलकर एकत्रित पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। बैराज के पास धारा 144 लगा दी गई है। अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से सुअर उद्योग को भारी क्षति पहुंची है और कई सुअर पालकों को वित्तीय हानि हुई है। ये बीमारी शुरू में इम्फाल शहर तक सीमित थी लेकिन अब ये राज्य के अन्य जिलों तक भी फैल गई है। इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक फार्म में इस महीने के दूसरे सप्ताह में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला था। बाद में ये बीमारी राज्य में घाटी के जिलों और कुछ पर्वतीय जिलों में भी फैल गई। बीमारी फैलने के मद्देनजर सरकार ने पहले ही एहतियाती उपायों की घोषणा कर दी थी। राज्य में सुअर के मांस के सेवन को पहले ही रोक दिया गया है। बिशुनपुर जिले के प्रशासक ने घोषणा की कि जिले में स्थित एक फार्म में इस बीमारी का पता चला था। थाउबल जिला प्रशासन ने जिले में बीमारी के फैलने के बारे में घोषणा भी कर दी है। हरियाणा फरीदाबाद जिला प्रशासन ने जिले के किसानों का आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का पूरा लाभ उठाएं। जिला उपायुक्त ने कहा है कि किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं और स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली की गांठें बनाकर सरकार द्वारा दी जा रही 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा है कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की महत्वपूर्ण योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत किसानों को किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पंचायती राज जन प्रतिनिधियों के जरिए फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों सुपर सीडर जीरो टिलेज मशीन स्ट्रॉ चॉपर हैप्पी सीडर एवं रिवर्सिबल प्लाव अनुदान कर दिए जाते हैं। भारत गांवों का देश है। ग्रामीण भारत के हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। देश की विविधता में एकता की परिचायक भाषीय संस्कृति को संजोए रखने के लिए भारत सरकार मातृभाषा में पढ़ाई के साथ देश भर में भारतीय भाषा उत्सव मना रही है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण भारत में भाषीय रोजगार व क्षेत्रीय भाषाई संस्कृति को सहेजने में कितनी मदद मिलेगी इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार से। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा को लेकर 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव शुरू हो गया। इस उत्सव के आयोजन के क्या माने और भविष्य में इससे भारतीय भाषा के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को कितनी मजबूती मिलेगी इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार। सर, अगर बात करें भारतीय भाषा संस्कृति की परिचायक है, सांस्कृतिक समृद्धता आदि काल से भारत में देखने को मिली है, इस आयोजन के जरिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारा देश थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एक बहुत बड़ी सिविलाइज्ड नेशन है और कल्चरल कंटिन्यूटी है और ये पूरा कल्चर और हमारा सिविलाइजेशन जो है हमारा भारतीय भाषा में जो लिखा हुआ है इसमें है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा स्कूल्स में हो और यूनिवर्सिटी में हो, हमारा बच्चों ने भारतीय भाषा में पढ़ना है। इससे जो चीज़ होता है, एक हमारा लोकल कल्चर से हमको कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा और दूसरा, जब हम हमारा भारतीय भाषा में पढ़ते हैं हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरफ से होगा। इससे क्या होगा, हम जब दूसरा सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, ऑलरेडी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरफ से बन गए तो वो अलग अलग फील्ड्स में भी हम अच्छी तरफ से काम कर सकते। क्षेत्रीय भाषाएं विविधता में एकता की परिचायक हैं। NEP 2020 के जरिए इसमें भविष्य में हम किस तरह का देखते हैं 2047 का प्रधानमंत्री का भारत? हमारा देश में माइग्रेशन को देखें तो बहुत लोगों ने जो एक स्टेट में पढ़ते हैं उसी स्टेट में काम करते हैं। इसलिए मैं हिंदी में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तमिल में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मैं BTech सिविल इंजीनियरिंग तमिल में किया, मैं तमिल में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़े तो मेरा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अन्य देशों में भी स्कूल से पीएचडी तक इनका भाषा में पढ़ते हैं। आप ग्लोबली देखें तो भी जो जो कंट्रीज़ में ज़्यादा नोबेल प्राइजेस मिला, इनका एजुकेशनल सिस्टम आप देखें तो सभी लोग इनका मातृभाषा में पढ़ते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हमेशा हमारा मदर टंग में पढ़ना है। भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आदिकाल से रहा है, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन बीते 9 साल से अधिक का कार्यकाल हम देखते हैं तो भाषा और प्रौद्योगिकी की समानांतर चल रही है, तो भविष्य में हम किस तरह देखते हैं भाषाई प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार? NEP 2020 आने के बाद हमारा एफर्ट्स बहुत तेजी से हम कर रहा है भारतीय भाषा को प्रामुख्यता देने के लिए। ये हमारा उम्मीद है कि आगे सालों में हमारा बच्चों ने भारतीय भाषा में पढ़ के बहुत अच्छी साइंटिस्ट बने, बहुत अच्छी इंजीनियर्स बने, बहुत अच्छी डॉक्टर्स और किसी भी प्रोफेशन हो वो प्रोफेशन में शाइन होना चाहिए। तो ये थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार, जिनका मानना है कि भारतीय भाषा सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत की न केवल जीवन प्रतीक है बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए विविधता में एकता के भी परिचायक है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अश्वनी और श्रीनिवास के साथ मोपी यादव, DD News दिल्ली। और अब बात करते हैं हमोन चक्रवात की। हमोन चक्रवात दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और निकटवर्ती मिजोरम पर कमजोर हो गया है। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव में और उसके बाद के 6 घंटों के दौरान एक बार दबाव में बदलकर कमजोर पड़ने का अनुमान है। और बात करेंगे मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाले तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। अचनेरा मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं बहराइच और पुणे मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि चोटीला और मेहरोनी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेर बदल के साथ हुए। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की चोटीला मंडी में 23 अक्टूबर को लोकल गेहूं का भाव था 2400 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2400 रुपए पर बना रहा। जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 अक्टूबर को शरबती गेहूं का भाव रहा 4650 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4600 रुपए। उत्तर प्रदेश के बहराइच मंडी में 23 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 2375 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2370 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही मेहरोनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 23 और 24 अक्टूबर को धारा गेहूं 2300 रुपए पर बिका। वहीं अचनेरा मंडी में धारा गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 23 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2380 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2390 रुपए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। अचनेरा और जफरगंज में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि बहराइच और फतेहाबाद मंडी में इस दौरान
भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्ट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 23 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,475 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,475 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की ही फतेहाबाद मंडी में बीते दो दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 23 और 24 अक्टूबर को सरसों 5,450 रुपए पर बिकी, जबकि जफरगंज मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,500 रुपए, 24 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए उठकर 5,520 रुपए पर हुए। अचनेरा मंडी में 23 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,470 रुपए, 24 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में खासी गिरावट देखने को मिली। यहां 23 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,485 रुपए, 24 अक्टूबर को इसके सौदों में 435 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,050 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान सोयाबीन और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही यहां सरसों और मटर की बुआई के अलावा आलू के उन्नत किस्मों की रोपाई करें। मालवा के पठारी इलाकों के किसान भी सोयाबीन की कटाई करें। इसके साथ ही सरसों, मटर और गाजर की बुआई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में भी सोयाबीन की कटाई करें। यही बीजोपचार के बाद सरसों और काबुली चना की बुआई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान अगेती मटर, आलू, गाजर, लहसुन, फूलगोभी, पालक और सौंफ की बुआई के लिए खेत तैयार करें। निमाड़ घाटी इलाके के किसान चने के उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहां बीजोपचार के बाद प्याज की बुआई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में इस समय बाजरे की कटाई करें। इसके साथ ही यहां सरसों और मटर की बुआई के अलावा आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में किसान सोयाबीन और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही सरसों, काबुली चना और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां गन्ने की रोपाई करें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में ही बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों की बुआई करें। विंध्य के पठारी इलाके में सरसों, गेहूं और चने की बुआई के अलावा लहसुन के उन्नत किस्मों की रोपाई करें। बुंदेलखंड के किसान धनिया और वर्षा आधारित तोरिया की बुआई करें। इसके साथ ही यहां लहसुन की रोपाई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है।
बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें, साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। एक माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चुर्निल आसिता रोग हो सकता है, इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। एक हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर, खास खबर भी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनआईसी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच में संसद की लोकाचार समिति को पूर्ण सहयोग देगा। गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इको वेस्टनम नाम की केमिकल फैक्ट्री पिछले 4 महीनों से बंद पड़ी थी। फैक्ट्री में मौजूद 60 से ज्यादा टैंक इस भीषण आग की चपेट में आ गए। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गायक और संगीतकार शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर शंकर महादेवन का वीडियो शेयर किया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में बुधवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 190 मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 218 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। मुंबई में एयर क्वालिटी का आंकड़ा 163 AQI तक पहुंच गया। बीएमसी द्वारा जगह जगह पर डस्ट स्प्रेशन व्हीकल तैनात की गई, जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। और कश्मीर घाटी में 35 साल बाद दशहरे पर इंदिरा नगर के शिव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें करीब 500 लोग शामिल हुए। शिव मंदिर से निकली यह शोभा यात्रा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम पहुंची, जहां पर रावण दहन किया गया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लिख रहे